गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन या प्रतिशत और उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो हमारा नया चैप्टर है येगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब प्रतिशत। ओके स्टूडेंट, हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो हम परसेंटेज जानेंगे जो हमारा जिस तरीके से परसेंटेज देगा वो हर किसी में अगर कोई रिजल्ट आता है तो उसमें परसेंटेज से शो करते हैं कि इसका कितना परसेंट रहा। कोई भी चीज़ होता है, किसी का रेशियो बनाना होता है कि क्लास में अगर किसी भी स्कूल में अगर स्टूडेंट हैं तो कितने परसेंट गर्ल्स हैं, कितने परसेंट बॉयज़ हैं, तो हमें परसेंटेज का यूज़ करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, तो यहीं हम परसेंटेज के यूज़ करेंगे और जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो हमें सबसे पहले जानेंगे परसेंटेज। परसेंटेज का साइन हमारा ये होता है, किसी भी डिजिट या संख्या के आगे अगर ये साइन लगा हुआ है वो कहलाता है परसेंटेज। और हम इस परसेंटेज को जैसे हम लिखा है 1%, तो 1% का मीन होता है 1/100। कहीं भी 1/100 लिखा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज। या एक लिखा है तो 1%, तो 1% को हम चाहे 1/100 लिख सकते हैं या इसे हम 1% कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से और जानेंगे कि परसेंटेज कहाँ यूज़ होता है। जैसे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है स्कूल का जो भी, तो हमें देते हैं कि 400 में से 320, जैसे अलीजाज का रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है 400 में से 320 नंबर आए, तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम अलीजा का निकालेंगे, कितना 320 आउट ऑफ 400 400 में से 320 नंबर में, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे या फिर हम डायरेक्ट इसमें 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड कराएंगे। ओके स्टूडेंट, सिंपल सा 100, तो हमें सिर्फ नीचे वाला 100 रखना है, बाकी ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 20 से हम 20 डिवाइड कर देंगे, 8 से हम इसे डिवाइड देंगे, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम, और एक वाला 0 बचा रहेगा, तो हमारा क्या बचेगा, 80 × 1/100। ओके स्टूडेंट, तो ये 1/100 क्या बन जाएगा हमारा परसेंटेज, तो हम इसको लिखेंगे 80%। तो हमारा जो अलीजा का रिज़ल्ट है कितना आएगा, 80%। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इसी तरीके से रवि का रिज़ल्ट निकालेंगे परसेंटेज में, तो रवि's रिपोर्ट कार्ड या रवि का रिज़ल्ट कितना है, 300 आउट ऑफ 360। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल है, परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 100 तो डिनोमिनेटर वाला हमें सेव रखना है, तो इसमें हम 1 से 1 का 0 देंगे, ये हमारा जाएगा 6 से जाएगा 5 टाइम और 6 से जाएगा 6 टाइम, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 5/6 × 100, और इस वाले 100 को हम लिख लेंगे 1/100। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड देंगे, 2 से जाएगा कितने 3 टाइम, 2 से डिवाइड देंगे 50 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 25/3 × 1/100। इसको और सॉल्व करेंगे, जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये होगा 83.33, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो हमारा परसेंटेज आ गया, रवि का रिजल्ट का परसेंटेज क्या है, 83.3%। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम जानेंगे फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, इसमें हमारे क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट हम इस चार्ट पेपर देख रहे हैं, ये हमारा डेसिमल, जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसी तरीके से डेसिमल, इसे हम क्या लिखेंगे, अगर पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। और इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करें, तो इसी को हम इक्विवेलेंट करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 10 का यहाँ, तो ये अगर 10/100, 10 का सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, 20/100, 30/100, और ये अब इसी को हम फ्रैक्शन को क्या है, इसी इक्विवेलेंट को हम काय में चेंज करेंगे, इसको अगर हम परसेंटेज में करें तो फर्स्ट एंसर को क्या है, 10 एज इट इज़ रहेगा, और ये 1/100 को हम परसेंटेज लिख देंगे, तो ये 10% हो गया, ये 20% हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज में आपस में रिलेशन ये होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे।
तो स्टूडेंट 9.1 का, 9.1 का इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें हमको दिया है ये डेसिमल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये परसेंटेज। तो इसी तरीके से इसको हमें फिल करेंगे। तो जब हम फिल करेंगे, ये 0.3 हमारा 30 में चल रहा है, तो इसको 30 में लिखा, ये 7, तो इसका मतलब हमारा ये 70% होगा। तो इसे हम 70% फिल कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 70/100 लिखेंगे। तो इसको हम ये तरीके से ये हमारा 0.7 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 40% है, तो इसे 40/100 लिख सकते हैं। और इसको यहाँ क्या है, 4/10 लिखेंगे। इसे डेसिमल में क्या लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 50 पे चल रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 50% लिखेंगे, 15%। ये हमारा 50% होगा। इसे हम 1 point इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम इस, तो स्टूडेंट इसमें हम 5 से डिवाइड देंगे, 5 से आएगा 3 times और 5 से जाएगा 20 times, तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 3/20। ओके स्टूडेंट, और ये हमारा डेसिमल फॉर्म में तो है ही 0.015। इसी तरीके 60% को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखेंगे, 60/100। ओके स्टूडेंट, तो इसे अब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल, ये बचेगा 2 से आएगा 3 times, 2 से आएगा 5 times, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। इसी तरीके से इसका डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका डेसिमल फ्रैक्शन होगा 0.6। ओके स्टूडेंट, जी हमारे टेबल इस तरीके से फिल करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर, राइट द अप्रोक्सीमेट आंसर। तो इसमें हमें फिगर को देखना है और इसका अप्रोप्रिएट आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारा फ्रैक्शन दिया है, तो इसमें हमारा टोटल बॉक्सेस रहेंगे 100। तो टोटल 100 बॉक्स में जो कलरफुल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, तो कलरफुल इसमें हमारे बॉक्सेस 10 है, तो इसे हम क्या लेंगे, 10/100। तो इस फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, अगर इसे काट देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 1/10। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 1/10। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला फिगर जो है हमारा, इसमें टोटल कलर कितने हैं, 20 कलर्स हैं, और इसमें टोटल बॉक्सेस कितने, 100। तो इसे हम अगर डेसिमल पार्ट में लिखेंगे, तो डेसिमल में लिखेंगे, ये हमारा क्या लिखेगा, 0.2। ये हमारा डेसिमल पार्ट में आ जाएगा। इसे परसेंटेज में लिखेंगे, तो ये होगा 20%। तो इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज, प्रतिशत में इसको चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल है, जो हमारा फ्रैक्शन है या भिन्न है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी। तो हमारा जो डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहे, तो जब इसमें इसका भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो कितने जाएँ, 3.3 इस तरीके से जाएगा, तो हमारा परसेंटेज आएगा कितना, 3.3। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा ये परसेंटेज निकलता जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 33/1/3, और ये 1/10 अलग से, 1/100 अलग से लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो और ये 1/100 हमारा क्या, परसेंटेज साइन होता है, तो इसका परसेंटेज फ्रैक्शन 1/3 का परसेंटेज क्या होगा, 33/1/3%। तो हमारा इस फ्रैक्शन का इस तरीके से इसे परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है, 7/2, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो जो हमारा ये 7/2 है, इसमें सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, इसका इससे डिवाइड देंगे, तो ये 50 times जाएगा, तो 7 का 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 350 हो जाएगा, और ये 1/100 एज इट इज़ रहेगा। और इस 1/100 को हम क्या लिखेंगे, ये 1/100 हमारा परसेंटेज कहलाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 350%। और ये हमारा बन गया 7/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो ये हमारा आएगा 350%। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट टू द फॉलोइंग परसेंटेज, इसे हमारा परसेंटेज में दिया है, इसे हमें फ्रैक्शन में और डेसिमल में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमें जो परसेंटेज में दिया 32% को, इसे हमें दशमलव में और फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न में और दशमलव में से चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 32% का साइन हटाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया हमारा क्या, इसे हम 4 से डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 8 times,
और 4 से डिवाइड होगा 25 टाइम, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 8/25। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया या भिन्न के फॉर्म में आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसे हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन बना था 32/100, अगर हम सीधा सीधा इसे डेसिमल में चेंज कराएंगे तो ये हमारा 20 है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा 32, तो ये हमारा बन जाएगा 32 डेसिमल फॉर्म में, दशमलव फॉर्म में, और ये हमारा भिन्न के फॉर्म में आ चुका है। अगर इसी से यहाँ से भी निकालना चाहें तो हमारा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 25 का हम 8 में डिवाइड देंगे, तो छोटी डिजिट है हम सबसे पहले लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 25 का हम 80 में डिवाइड देंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो 25 3 = 75, इसमें हमें 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 बचेगा रिमाइंडर में। अब हम इसमें लगाएंगे 0, तो 25 25 का 2 टाइम डिवाइड जाएगा, तो ये 2 टाइम होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दशमलव में 0.32। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है 5% ऑफ रेस 725, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, तो हमारा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 725, जो हम 725 का 5% निकालना है, तो 5% परसेंटेज को हम हटाएंगे, तो जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो इससे हम इसमें डिवाइड देंगे, तो जब यहाँ से हमारी डिवाइड दे दो या जिस तरीके से सॉल्व करना हो, तो 100 का हम डिवाइड 725 में देंगे, तो 7.25 आ जाएगा इनटू 5, इसका हमने इससे डिवाइड दे दिया भाग। अब 5 का इसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 5 या 25 की 5 कैरी 2, 5 2 या 10 और 2 12 12 की 2 कैरी 1, और 5 3 5 7 या 35 और 1 36, हमारा 2 डिजिट के बाद पॉइंट दशमलव है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 420 लीटर का 60% फाइंड करना है, तो हम निकालेंगे इसमें वैल्यू, तो हमारा क्या लिखेंगे 4420 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 6%, तो 6% निकालेंगे जाएगा 42 × 6, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा, तो इसे हम 100 से डिवाइड देंगे तो ये इतने टाइम जाएगा, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 2 = 12 12 की 2 कैरी 1, 6 4 = 24 25 / 10 10 का इसमें डिवाइड देंगे तो 1 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा दशमलव में आंसर आ गया 25.2 या 25.2। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।